हाय दोस्तों, ये एक्सावेटर मशीन रहा, होंडाई का 210 है। चलिए इसका इंजन का सामान के बारे में कुछ नाम, इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं और सारा इंजन का पार्ट लगभग बताते हैं कि इंजन में क्या क्या लगभग लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, एक टाइपर कवर है, जो टाइपर बॉक्स भी आदमी बोलते हैं इसको, और इसी के नीचे जो सफ़ेद कलर का है वो इसका पैकिंग रहा। और ये जो सामने में है, यहीं से इंजन ऑयल को डाला जाता है ये ढक्कन को ओपन करने के बाद। और ये इंजन ऑयल गेज रहा, इंजन में अटैच किया गया है, निकालिए थोड़ा बाहर इसको। और कितना हाई लो रहता है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये साफ करके भैया ने डाल रहे नीचे। ये इंजन ऑयल का गेज रहा, वीडियो में थोड़ा क्वालिटी थोड़ा कम दिखता होगा, इसमें लेबल बराबर दिख रहा है। थोड़ा साफ पीछे कपड़ा, जो सामने का खाँचा दिख रहा है ये इससे रहेगा नीचे तो लो में है, और ये ऊपर का हाई है, इसके बीच में रहेगा तो बराबर है। ये दोनों पोजीशन में चलता है, हाई से भी थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो भी चलता है। ये अपना साइलेंसर रहा, जिस इंग्लिश भाषा में इसको मफलर भी बोलते हैं। और ये सामने का जो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, ये टर्बो है, जो कि पहले का इंजन में टर्बो सिस्टम ना के बराबर था, इसके वजह से डीजल ज़्यादा खाता था मशीन, और टर्बो लगाने से थोड़ा डीजल का कैपेसिटी कम हो गया है। और ये अपना एयर क्लीनर के पास जाके एयर फिल्टर में गया हुआ है, जो आदमी जैसा अपने हिसाब से सांस लेते हैं उसी तरह ये सांस के में काम करता है। इंजन में करीब 16 से 17 लीटर इंजन ऑयल डाला जाता है। इसी के नीचे चैम्बर है, चैम्बर से इसको निकाल 250 घंटा में चेंज करने के लिए। लेकिन अभी का सेट लोग तो कम से कम 300 350 कोई कोई सेट तो 400 500 भी चला देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 250 दिया है तो कम से कम उसको 250-300 पे कर देना चाहिए इंजन ऑयल चेंज। ये रहा अपना डीजल फिल्टर है, जो दो लगा हुआ है, और एक उधर पंप के बाजू में भी लगा हुआ है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर सर्विसिंग के समय ये दोनों फिल्टर डीजल का खोल दिए हैं, और यहाँ से आप फिल्टर खोलते समय दूसरा न्यू फिल्टर में आप थोड़ा थोड़ा करके ही डीजल डाल के थोड़ा कम टाइट करके आप अपना पंप को मारिए, और यहीं से एयर निकाल लीजिए, ताकि ये दोनों नट खोलने की ज़रूरत, ये दोनों नट खोलने की, एक नट ये ढीला करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। और अगर यहाँ से भी आपका एयर बराबर नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ा सा इसको भी लूज करके मारिए, ताकि वो फिल्टर में भर सके वहाँ से। और ये जो सामने में दिख रहा है, ये RPM सेंसर बोलते हैं इसको, जो अपना डिस्प्ले पे दिखाता है कितना RPM में चला रहे हैं मशीन को। अगर आपका RPM थोड़ा कम बेसी हो, इसको इसका जो ये थ्रेड दिख रहा है लंबा में, ये नट खोल के उसकी गिनती करके और फिर से साफ करके लगाने पे सही हो जाता है, क्योंकि इसका आगे के पोजीशन पे चुंबक जैसा लगा रहता है, और उसमें धूल बैठने की वजह से सेंसर बराबर वहाँ डिस्प्ले पर नहीं बता पाता है। ये अपना एक्सीलेटर वायर रहा, जो वहाँ से आप एडजस्टिंग करते हैं, इधर से ही कभी लोड वगैरह लेता है मशीन तो थोड़ा एडजस्ट करके आप देख सकते हैं इसको। ये अपना वाश पंप है, और ये इंजन पूरा 6 सिलेंडर का है। ये जो ये पाइप दिख रहा है, ये रिटर्निंग है, और यहाँ पे ये जो है फिल्टर से आया हुआ वो मेन है। ये सारा का सारा पाइप अपना नोजल में गया है, नोजल इसके बाजू पे लगा है, ये नोजल पाइप रहा। कोई कोई भाई ने इसको नागिन पाइप भी बोलते हैं, और कोई कोई भाई इसको नोजल पाइप बोलते हैं, जो उस पंप से डायरेक्ट नोजल में जाता है। ये अपना पंप है, जो एयर लेने पे इसको मारा जाता है, इसका ओरिजिनल नाम व्हील पंप बोलते हैं। वो व्हील पंप तो ऊपर लगा रहता है, ये पैर से ही मारने वाला ज़्यादा है। ये अपना AC मोटर है, और अपना ये फैन बेल्ट है। अगर आवाज़ आता हो यहाँ से तो ये इधर बाजू 17 नंबर का पाना लगता है, इसको खोलने के बाद इसको थोड़ा टाइट करेंगे तो एडजस्टिंग हो जाता है फैन बेल्ट। बता सकते हैं कि ये चलते चलते अचानक क्यों बंद पड़ रहा है, कुछ देर चलता है उसके बाद ये बंद पड़ जाता है। अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो आप कॉमेंट ज़रूर करें कि क्यों बंद पड़ रहा है ये, कुछ देर चल के बंद पड़ जाता है। अपना ये फैन बेल्ट रहा, फैन पर लगा हुआ है इसका फैन बेल्ट आगे को पोजीशन में, जो कि इसका फैन बेल्ट का नंबर है 1363। चलिए आगे भी कुछ वो साइड से बताते हैं। ये सेल्फ रहा, जो कोई कोई भाई इसको अपने भाषा में स्टार्टर भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्फ है।
और ये अपना इंजन ऑयल फिल्टर रहा, जब चेंज होता है उस समय इसको चेंज करके लगाया जाता है दूसरा, और ये इंजन ऑयल फिल्टर से ही इस पर कनेक्ट किया रहता है ये पाइप जो कि अपना टर्बो पे जाता है, क्योंकि टर्बो का स्पीड बहुत पावरफुल होता है, 1500 आरपीएम रहता है। अल्टीनेटर अपना बैटरी को चार्ज करने में से अपना बैटरी वगैरह चार्ज होता है इस अल्टीनेटर से, जो कोई कोई भाई अपने भाषा में डायनेमो भी बोलते हैं इसको। अपना एडजस्टिंग रोलर है और नीचे वाटर बॉडी का रोलर है, वाटर पुली भी बोलते हैं कोई कोई भाई लोग, जो स्क्रू ड्राइवर से आपको दिख रहा है। अगर मशीन ज़्यादा हीटिंग होने लगे तो यहीं से यही ख़राब होने का ज़्यादा चांस बना रहता है। रोलर तो घूरता है लेकिन यहाँ से बाजू से पानी लीकेज हो जाता है, और ये अपना फैन बेल्ट को दबाए रखता है ताकि चलते समय ये फैन बेल्ट आसानी से चल सके। इसका हाइड्रोलिक का कूलर रहा, जो अपना हाइड्रोलिक सिस्टम का पूरा सिस्टम कूलिंग करके इस पे से रिटर्न टाँचते हैं, और ज़्यादा गर्म ना हो सके इसीलिए आगे पे कूलर लगाया गया है। ये अपना रेडी वाटर रहा, जो कि पूरा इंजन को यहीं से सप्लाई मिलता है पानी का, एक साइड से रिटेन करता है एक साइड से इनिंग करता है। इसको ओपन कीजिए ढक्कन को, और इस पर ठंडा रहने के लिए इस पर कूलेंट डाला जाता है, पूरा कूलेंट अभी इस पर है, तब पानी का गेज कम है इतना चलता है जो सुबह में इसमें डाला जाएगा। आपको किसी तरह का और वीडियो है तो कमेंट ज़रूर करें। अपना एयर क्लीनर रहा, जो कि करीब एक से दो दिन में, वैसे तो हर दिन साफ़ किया करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का मौसम चालू है और बारिश के मौसम में उतना धूल निकलता नहीं, इसके लिए आपको हर दो से तीन दिन में अंदर साफ़ करना चाहिए। और एयर फिल्टर का तो अपना सिग्नल देता ही है डिस्प्ले पे, उसका उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ समय में उसको साफ़ करवा दीजिए। ये जो सामने दिख रहा है इसको निकालने के बाद, यहाँ से इंजीनियर लोग आने के बाद टाइमिंग सेट करते हैं, जब इंजन का रेस कम एडजस्ट करने का हो तो यहाँ ही से टाइमिंग सेटिंग होता है इसका। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डीजे विकास आइडिया।